रेडी रेडी स्टार्ट। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ कहा जाता है कि यत भावो तत भवति, इसलिए हमारा भाव जैसा होता है वैसे ही कुछ घटित होता है। यत भावो तत भवति, इसलिए हम जैसी भावना करते हैं और हमने जैसी भावना करके प्रवेश किया है, मुझे विश्वास है कि जो भावना भीतर होगी हम भी वैसे ही खुद बनते जाएंगे। वह बहुत बड़ी स्वाभाविक बात है। भवन बदला है, मैं चाहूँगा कि भाव भी बदलना चाहिए, भावना भी बदलनी चाहिए। संसद राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च स्थान है। यह संसद दलहित के लिए नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी पवित्र संस्था का निर्माण दलहित के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ देशहित के लिए किया है। नए भवन में हम सभी अपनी वाणी से, विचार से, आचार से संविधान की जो स्पिरिट है उन मानदंडों को लेकर नए संकल्पों के अनुसार, नए भवन को लेकर, नई भावना को लेकर, और मैं आशा करता हूँ कि अध्यक्ष जी, हम सांसदों के व्यवहार के संबंध में आप कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे थे, कभी स्पष्ट कह रहे थे, कभी थोड़ा लपेट कर भी कह रहे थे। मैं अपनी तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा और सदन के नेता के नाते मैं चाहूँगा कि हम सभी सांसद आपकी आशा और अपेक्षा पर खरे उतरें। हम अनुशासन का पालन करें, देश हमें देखता है, आप जैसा दिशा निर्देश करें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अभी चुनाव तो दूर है और इस पार्लियामेंट का जितना समय हमारे पास बचा है, मैं पक्का मानता हूँ कि यहाँ जो व्यवहार होगा वह निर्धारित करेगा कि कौन यहाँ बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहाँ बैठने के लिए व्यवहार करता है। जो वहाँ ही बैठे रहना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, और जो यहाँ आकर भविष्य में बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा। इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महीनों में देश देखेगा और उनके बर्ताव से पता चलेगा। यह मुझे पूरा विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है कि हम सब एकमत होकर एक समान संकल्प लेकर कल्याणकारी सार्थक संवाद करें। यहाँ हमारे विचार अलग हो सकते हैं, विमर्श अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे संकल्प एकजुट ही होते हैं, एकजुट ही रहते हैं। इसलिए हमें उसकी एकजुटता के लिए भी भरपूर प्रयास करते रहना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी संसद ने राष्ट्रहित के तमाम बड़े अवसरों पर ही इसी भावना से काम किया है। न कोई इधर का है, न उधर का, सब कोई राष्ट्र के लिए करते रहे हैं। मुझे आशा है कि
इस नई शुरुआत के साथ इस संवाद के वातावरण में और इस संसद की पूरी डिबेट में हम उस भावना को जितनी ज़्यादा मजबूत करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम अवश्य प्रेरणा देंगे। ब्रह्म।